तो दोस्तों अभी यहाँ पे हम लोगों की डल्ली भी तैयार है, देख सकते हो। अभी हम लोग इसको लेके चलेंगे मंदिर में। लगभग हम तो पता चल योगी माँ जी पूछ ये सुबेर क्या खांदा, आप बेखनी क्या खांदा, के पुंगणमा धान जाए आचन गितार बहन जी पूछ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को, और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने भाई के साथ, जो कि नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे गाँव में ऐसा रिवाज होता है अरसे बनाने का, और जिनको त्यौहार नहीं होता है उनको पेड़ा दिया जाता है। तो अनमोल जाएगा अभी पेड़ा देने के लिए गाँव में, और बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने तो पेड़ा के लिए कल बना दिए थे और मम्मी अभी बना रही है मंदिर के लिए, ताज़े ताज़े अरसे बना रही है। बाकी चाची लोग भी बना रहे होंगे, उनसे मैं आप लोगों को मिलाती हूँ। फिलहाल मैं जा रही हूँ सिंगर चाची के घर पे, और अनमोल जा रहा है पेड़ा बांटने के लिए। तो दोस्तों अभी यहाँ पे सुबह सुबह हमारे पहाड़ी गीज़र यानी कि तौले पे यहाँ पे पानी रख दिया है सबके नहाने के लिए, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो सब लोग नहा धो के मंदिर में जाएंगे। और यहाँ पे अनमोल नहा गया है सबसे पहले, और अनमोल जा रहा है गाँव में पेड़ा बांटने के लिए। इसमें रखे हुए हैं अरसे, जिनका त्यौहार नहीं है उनको पेड़ा दे के आएंगे। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ सिंगर चाची के घर पे, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी अरसे बन रहे हैं मंदिर के लिए। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, और आप लोग क्योंकि यहाँ पे टोकरी बन गई है उसके लिए भी जरूर बताना कैसे बनाए हैं। ये देखो रसगुल्ले, पहाड़ी गुलाब जामुन, ये देख लो, ये मंदिर के लिए है। मंदिर के लिए बड़े बड़े बनते हैं, और पेड़े के लिए छोटे छोटे। आज बहुत अच्छा लग रहा है, सारे लोग साथ में हैं, और सही बात है, व्रत का त्योहार मना रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे गांव में ये रीति रिवाज बहुत अच्छा है ना, अच्छा देवताओं के प्रति हमको भी खाने को मिल जाता है, मिल जाता है। नहीं तो हमारा मन भी नहीं करता है बनाने। सही बात है। और यहाँ पे कालिया भाई भी पहुँच गए हैं बहुत दिनों बाद, पहुँच गए लोग बोल रहे हैं कालिया भाई को कहाँ भगा दिया बल दोस्तों, में कहीं जा रही थी, कालिया भाई गोरा बन के आ रखा है। और वहाँ के मुझे बोलने दोस्तों, वहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं, मोनिका की वीडियो, हम सब लोगों की वीडियो जो सिमर से देखते हैं, तो उन सर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और लोग देखते हैं सबको, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आंटी जी को भी जो हमारे बगल में रहते, जो रानी खेत के हैं, वो बोले थे मेरा नाम लेना कि बोलना, बहुत बड़ी फैन हूँ। बिल्कुल धन्यवाद उनका भी बहुत बहुत। और सब जगह ना आपको हर किसी के घर पे अरसे बनते हुए दिखेंगे, यहाँ पे भी अरसे बन रहे हैं, और यहाँ पे हमारी चाची, दूसरी चाची भी अरसे बना रही है। ये देखो, हेलो, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं आपको भी, आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ दादी भी बैठी हूँ, दादी भी ढांस लगी है अरसा। तो यहाँ पे दादी और चाची बना रहे हैं, वहाँ पे भी चाची लोग बना रहे हैं, सबके घरों में आपको ना अरसे बनते हुए दिखेंगे। वहाँ नीचे पे भी देखो हमारी चाची लोग अरसे बना रहे हैं, बने लिया बड़ा बड़ा क्या बना 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 ऐसी होता है, पहली पहली बार बनाते हैं जब है। दोस्तों यहाँ पे हमारी माता श्री भी रेडी हो गई है अपनी डल्ली के साथ। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप लोग, सब ठीक ठाक दोस्तों। तो ये हमारी डल्ली तैयार हो गई, और भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार पे बनी रही, जितनी भी मेरी यूट्यूबर फैमिली है सब खुश रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों ये परंपरा है हमारे गाँव में, हर परिवार से जाती है, हर परिवार से जाएंगे, फिर से इसको सिर में ले जाएंगे, सारे रख के टोकरी में सिर में ले जाएंगे मंदिर, हर खोले से एक एक डाली जाएगी। और इसमें कितने अरसे रखे हुए हैं, इसमें है 10, तो ये सारी रात वहीं रहेंगे, और सुबह फिर हमको प्रसाद के रूप में कुछ भगवान जी को भोग लगेंगे, और कुछ हमें कुछ घर पे आते हैं। बिल्कुल, इसमें मम्मी ने फूल रखे हुए हैं, जौ रखे हुए हैं, जो चावल सब कुछ। अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, वहाँ पे हो रही है शूटिंग हो रही है, और जो कार्यक्रम होगा वो होगा शाम को डली वाला है ना। और यहाँ पे हमारी धीरे बोलने वाले चाची, नमस्ते प्रणाम, आप सभी को अच्छे होंगे, आप भी बहुत अच्छे हैं, और आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों देखो, मोनिका की वजह से पहले तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं मोनिका का करना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी वजह से लोग हमें जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, हमें शूटिंग में भी बुला रहे हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, शूटिंग में भी हमको बुला रहे हैं। आज हमारे बच्चों के टीचर हैं जो अध्यापक मालतोली स्कूल में, उनकी शूटिंग है, तो हमें भी बुला रखा है वहाँ, तो हम जा रहे हैं। आज दूसरी शूटिंग में जा रहे हो? दूसरी शूटिंग में जा रहे, पहली में तो मैं नहीं थी, पर दूसरी में हूँ मैं, ये तो सारे थे। पर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नारी गांव का भी, मोनिका का भी, यूट्यूब और आपका भी, आपका भी धन्यवाद, तो आपका। बिल्कुल, चलते अभी मंदिर में, आप लोगों को दिखाते हैं डल्ली। तो दोस्तों ये देखो, पेड़ा देने वाली पार्टी भी जाने लगी है। हेलो, ये है तुन्ना, ये है खुशी, ये है अंशिका।
पहना देने जा रहे हैं गांव में ना। तो दोस्तों हमारे गांव में कोई भी त्यौहार होता है ना तो अगल बगल गांव के सब लोग आते हैं मंदिर में, और देखो मंदिर में कुछ इस तरह की भीड़ लग जाती है, और वैसे यहाँ शूटिंग भी है तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो अभी हम लोग चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। जगत चंडी माँ चंडिका नारी देवी की बोल, तुंगेश्वर महादेव की बोल, स्थानीय सभी देवताओं की बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी तीन भजन तैयार किए हैं और उन भजनों की आज वीडियोग्राफी यहाँ पे होनी है, वीडियो शूटिंग होनी है, उसके लिए हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। लगभग हम तक पता चाहिए योगी माँ जी को ये सुबेर क्या खांदा पे खन क्या खांदा के पुंगणमा धाने जाए यहाँ छन गितार बहन जी कुछ लगभग लगभग यह पूरी जानकारी हम तय मिलने रहती, और प्रसन्नता भी हम तय कि कम से कम नई पीढ़ी उजागर पहनी चार जागरण तो भी दोस्तों अभी हम लोग आगे हैं अपने पुराने वाले घर पे, और यहाँ पे सब अपने अपने घर से डाली लेके आ गए हैं, मतलब जो छोटे छोटे पुड़खे होते हैं उन पे भगवान जी के लिए प्रसाद लेके आ गए हैं अरसे लेके। और अभी यहाँ से हम लोग मतलब अलग अलग परिवार के अलग अलग खोले के सबकी डाली अलग अलग से जाती है मंदिर में, तो अभी हम लोग भी यहाँ से अपनी डाली लेके चलेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि हमारे पहाड़ों में यानी कि हमारे गाँव में शिवरात्रि कैसे मनाते हैं। लेके चलेंगे मंदिर में, और यहाँ पे देखो भीड़ देख सकते हो कितने सारे आ रखे, सब चाची लोग पहुँच गए हैं, ये देखो चाचा लोग भी पहुँच गए, ये हमारा भाई है ये डली लेके जा रहा है आज पहली बार। बाकी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है चाचा जी, शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिल्कुल जय जय शंभो, हमारे यहाँ की शिवरात्रि का मजा लो। बिल्कुल, और अभी यहाँ से दूसरी डाली भी आएगी, ये हमारी डाली है सब अरसों से भरी हुई है। बिल्कुल, हमारे यहाँ की रीति रिवाज है, और यहाँ पे हमारे बुजुर्ग दादाजी सब बड़ों जी का मैनेजमेंट रहता है, सही बात, हर चीज में शादी ब्याह हो चाहे कुछ भी कार्यक्रम हो, हाँ कुछ बात नहीं है, क्यों नहीं है बात। अरे यहाँ पे दादी ने भी हाथ जोड़ रखे हैं, जय जय संभव हूँ। बाकी सब लोग पहुँच गए यहाँ पे, अभी ये डाली लेके चलेंगे हम मंदिर के अंदर। Oh!
तो दोस्तों मंदिर में आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है। और यहाँ पे मैं मिलाना चाहूंगी आपसे जिनकी आज मंदिर में कीर्तन की शूटिंग थी। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। और रेगुलर हमारी वीडियो भी देखते रहते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो मोनिका की वीडियो रोज देखती हूं, मुझे बहुत पसंद है वीडियो देखना। बहुत बहुत धन्यवाद, भजन से ज्यादा इससे मिलने की खुशी है। धन्यवाद, हमें भी बहुत खुशी हुई आपसे मिल के। और सिंगर चाचा से भी नहीं मिला अभी, ठीक ठाक। इनसे मिल के आज प्रणाम करना भूल गए। यहाँ किसने करना है ये ना, सुबेर कर लीजिए सुबह कर दिया था, भूल गई मैं। इतने लोगों को देख के मुझे रंग ताट हो गया। सही बात है, यहाँ पे भी देखो सब हमारी चाची लोग बैठे हुए हैं, ये देखो कोथी देख रहे हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी सभी लोग अपनी अपनी डाली मंदिर में ले गए हैं और कल सुबह हम लोग फिर से प्रसाद लेने के लिए मंदिर में आएंगे। यानी कि जो डाली हम लोग मंदिर में ले गए हैं कुछ तो भगवान जी के लिए भोग लगेगा और कुछ प्रसाद के रूप में हमें वापस मिलेगा। तो रात भर तो डाली मंदिर में ही रहेगी और कल सुबह हम लोग फिर से प्रसाद लेने के लिए मंदिर में आएंगे। और अभी सब लोग अपने अपने घर को चले गए हैं। सामने सिल्ली गाँव के भी यहाँ आते हैं, अगल बगल के सारे गाँव के आते हैं डाली लेके। और शायद से मुझे नहीं लग रहा और गाँव में भी ये रिवाज होता होगा, जरूर बताना आप लोगों के यहाँ महाशिवरात्रि कैसे मनाते हैं। हमारे गाँव में तो बहुत सालों से यही रिवाज है और इसी तरह से शिवरात्रि मनाते हैं, तो आप लोग जरूर बताना कमेंट में। और यहाँ पे हमारे भाई लोग भी सिल्ली के, ये किराज तो दोस्तों अभी हम लोग जाने लगे हैं मंदिर से घर के लिए। और बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा हमारा महाशिवरात्रि, आप लोग बताना आपका कैसा रहा। मेरे से कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा दोस्तों, इतनी रंगत आई कि क्या बताएं, पर क्या करें, थकान इतनी हो गई दोस्तों। आपको पता है पीठा कूट कूट के वो मिठाई बना बना के अरसे बना के हम थक गए दोस्तों। हाँ। पर भोलेनाथ की कृपा भी बहुत बड़ी है, बारिश भी नहीं हुई, हमको डर था कहीं बारिश ना हो जाए, मौसम ने भी साथ दिया। हाँ, साथ दिया। और हमको ना साल भर इस दिन का इंतजार रहता है क्योंकि आज के दिन ना बहुत ज्यादा रौनक रहती है गाँव में, बहुत सारे मिले भी यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। क्योंकि अगल बगल गाँव के भी सब लोग आज मिल जाते हैं, तो मतलब मिलना जुलना भी हो जाता है आपस में, क्यों नहीं, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग भी मतलब जैसे स्कूल के दोस्त हैं जो मायके आ रखे होंगे वो भी आते हैं मंदिर में, फिर ऐसे में ही हमारा भी मिलना जुलना होता है क्योंकि हर कोई बिजी है अपनी लाइफ में, ऐसे दोस्तों से मिलना तो होता नहीं है, तो कभी जब खेल कौथी होता है तभी मिलना होता है।